गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सो आज 11th of June है, संडे का टाइम है और हम लोग मॉर्निंग में उठे और हमारे साथ बहुत बड़ा चूना लग गया है। चूना ये लगा है कि चूना लगने वाला है। ये हुआ है कि हम लोग जैसे ही मॉर्निंग में उठे और हमारी टीवी नहीं चल रही थी, हमारी टीवी का डिस्प्ले उड़ गया है और साउंड आ रहा है बट टीवी नहीं चल रही। मैं सारी बटन दबा कर देख ली, हम लोग ने प्लग पॉइंट हटा कर देख लिया, दूसरे प्लग पॉइंट में लगा कर देख लिया, ताकि मैंने ये सब हम लोग ने गूगल कर करके देखा कि यार कैसे ना कैसे हमारी टीवी चल जाए, बट वो नहीं चल रही है। तो यूएस में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं क्या होता है ना, यूएस में अगर आप हैं और यहाँ पर ना लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये $350 कुछ की हमारी टीवी थी और जो अंदर की जो चीज़ उड़ी है वो $200 की है। एंड उसके साथ जो उसको रिपेयर का कॉस्ट है वो भी $200-$300 कुछ जाएगा। तो जितने की टीवी नहीं उतने का उसका खर्चा हो जाएगा। तो हम लोगों को टीवी लेना था, टीवी अभी नहीं लेना था, 2-3 महीने बाद लेना था, जब नए घर में मूव हो जाते तब हम लोग टीवी लेते। बट अभी ऐसी कंडीशन आ गई है ना कि टीवी बिना यहाँ तो काम नहीं चलता, वो बेचारा सुबह से है टीवी। तो बिना उसके तो यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लाइफ ऐसी है ना, सबकी बिजी है। तो आप घर में बोर होते हो तो ये ज़रूरी है, नेसेसिटी है टीवी अब तो। तो अब लेना था हम लोगों टीवी, हम लोग का था बड़ा टीवी लेंगे हम लोग नए घर में जाकर, क्योंकि हॉल बड़ा है तो बड़ा टीवी। अब वहाँ अभी क्या, ये तो हॉल छोटा है बट टीवी हम छोटा नहीं ला सकते कि अभी छोटा टीवी लो फिर वहाँ जाकर फिर बड़ा टीवी लो। तो दो दो टीवी तो अभी खरीद नहीं सकते। तो अभी मेरे हस्बैंड फिर गए हैं कॉस्टको, वहाँ पर टीवी देखने के लिए गए हैं वो, और टीवी फिर वो बड़ा ही वाला टीवी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि छोटा लेकर आने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें वैसे ही ख़रीदना ही था और अभी नहीं पर 2 महीने बाद ख़रीदना था। तो थोड़ा 75 इंच वाला वो टीवी देखने के लिए गए हैं कॉस्टको कि लेकर आए वो, ताकि हम लोग देखें टीवी। अब वो तो चल नहीं रही है, बिना टीवी के काम भी नहीं चलता है। एंड वन मोर प्रॉब्लम इज ये जो टीवी का स्टैंड है हमारा, वो 45 इंच तक की टीवी का स्टैंड, 45 तक की टीवी वो ले सकता है, बेयर कर सकता है। बड़ी टीवी रखने के लिए ये स्टैंड किसी काम का नहीं है। तो अब ये स्टैंड जो है इसको मुझे सेल पे लगाना है, और आज वो आइकिया भी जाएंगे। हमारा बेड आना था आज, हम लोगों को बेड आइकिया से उठाकर लेकर आना था, और हम लोगों को स्टैंड लेकर आना है। अब टीवी आ रही है बड़ा, तो उसको रखने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल का यूज़ होता है, तो ये डाइनिंग टेबल वगैरह तो नहीं रख सकते, तो स्टैंड भी लेकर आना है उसका। और ऐसे ही हमारी एनिवर्सरी जा रही है, और मेरा कल एग्ज़ाम है, मतलब जो मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ उससे रिलेटेड मुझे पढ़ना था, बट आयु अभी इतना ज़्यादा बोर हो रहा है तो उसको मैं टाइम दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड का था आज, वो उसको संभालेंगे। इवन हम लोग का क्या, आज एनिवर्सरी का भी प्लान हम लोग ने कैंसिल कर रखा था, क्योंकि हम लोगों को मेरा जो कल टेस्ट इंटरव्यू वगैरह जो चलते हैं वो सब है, मेरा ट्रेनिंग से ही रिलेटेड है। तो हर संडे वो लोग पूछते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह लेते हैं, तो मुझे वो प्रिपेयर करना था। बट अभी हम दोनों ही बोर हो रहे हैं, वहाँ पर खेल रहा है, तो अभी मेरा दिन ऐसे ही जा रहा है, भाई कुछ काम नहीं हो पा रहा है। और खाना वगैरह तो ऐसा जैसा कुछ कुक करना ही नहीं था मुझे, आटा गूंद कर रोटियां ही बनानी है। सब्जी रखी हुई है, कल रात में गेस्ट वगैरह आए थे तो उनके लिए सब्जी बनाई थी, तो खूब सारी बना ली थी, मखनी और पनीर, तो वो रखा हुआ है बहुत सारा, राइस भी रखा है, तो बस रोटियां बनानी है, तो वो मैं बना लूँगी थोड़ी देर से आटा गूंद कर। और बस मेरे हस्बैंड गए हैं, उसके बाद बेचारे वो आएंगे, फिर वो आइकिया जाएंगे, आइकिया से स्टैंड लेकर आएंगे, क्योंकि मैंने कॉस्को पे बहुत प्यारा सा टीवी का स्टैंड था, मुझे बहुत पसंद आया था, बट अभी एट प्रेजेंट वो अवेलेबल नहीं है कॉस्को पे। और वो नहीं अवेलेबल तो कुछ भी ऐसे ही नहीं उठा कर ला सकते ना, क्योंकि हम लोगों को नए घर के हिसाब से ही लेना था। देन वो टीवी लेकर आकर रख कर जाएंगे, देन वो जाएंगे आइकिया से फिर वो टीवी का स्टैंड एंड बेड लेकर आएंगे। असेंबली तो खैर वो उनकी टीवी के स्टैंड की वो कर देंगे, बाकी बेड वगैरह की आराम से होती रहेगी। अभी पूरा वीक, एक वीक बचा है, एक वीक में 3-4 दिन और बचे हैं मम्मी जी पापा जी को आने में। सो
हम लोगों का सब था कि प्लान था कि सब लेना है, बट अभी कुछ भी नहीं लेने का था कि 2-3 महीने बाद। वो खैर अभी ऐसी कुछ बात नहीं है, 2-3 महीने बाद खर्च करो, आप अभी खर्च करो, पैसा तो उतना ही लगना है। तो बस वही था कि इतनी जल्दी टीवी हो। ये टीवी मेरा ये था कि वो वाले घर में जब नए घर में मूव होंगे तो हमारे घर में, जैसे आप लोग ने वीडियो देखी ही है ब्लॉग वगैरह में, तो दो हॉल है, एक नीचे है एक ऊपर है। तो मेरा ये था कि इसको ऊपर के हॉल में रख देंगे, क्योंकि सब में किसी का रहता है ना, किसी को कुछ देखना है, किसी को कुछ देखना है, और आयु के तो हमेशा कार्टून ही चलते रहते हैं। अपन अब कुछ लगाओ अपना तो उसको बुरा लगता है कि मेरा क्यों नहीं चल रहा टीवी में। तो ये था कि उसका उसका भी, उसको जो देखना है वो देखें, हम लोगों को जो देखना, बड़ों को जो देखना हम लोग वो देखेंगे। तो हम लोगों का ऐसा प्लान था। और दूसरा टीवी लेने का प्लान, एक टीवी का तो था 2-3 महीने बाद लेंगे, बट एक टीवी का था कि थैंक्सगिविंग वगैरह पे हम लोग मतलब कर देंगे कि थैंक्सगिविंग पे लेंगे। थैंक्सगिविंग में बहुत अच्छे ऑफर आते हैं, मतलब इंडिया से भी सस्ते दाम पर बहुत बड़े बड़े स्क्रीन की टीवीज मिल जाती हैं यूएस में थैंक्सगिविंग पे। और तो हम लोगों का था कि थैंक्सगिविंग पे लेंगे, अच्छा ऑफर मिल जाएगा, बट अभी तो एज सच अभी लेना पड़ रहा है। तो वही है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मेरे हस्बैंड आएंगे, असेंबली वगैरह करेंगे, टीवी रखेंगे, भगवान जी रखे हुए मैंने वहां पर, तो वो मैं मम्मी जी पापा जी वाले कमरे में रख दूंगी, क्योंकि वो पूजा करते हैं पापा जी, तो वहां पर वो पूजा कर लेंगे भगवान जी की, क्योंकि टीवी का स्टैंड थोड़ा बड़ा आएगा तो वो कॉर्नर पे नहीं रखा पाएगा, तो भगवान जी मुझे सेट करना है। तो आज का दिन ऐसा हो रहा है ना, मैं कल रात भर भी नहीं सो पाए हम लोग, कल इतना थक गए थे। कल रात में मैंने सोचा था कि प्रॉपर नींद लूंगी, सुबह उठते से मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। तो कल रात में आयु को इतना ज्यादा सर्दी वगैरह हो रही थी ना कुछ, उसके स्कूल में स्प्लैश था कल स्कूल में, तो उधर से आया तब से ही उसकी नाक बह रही थी, क्योंकि क्लाउडी वेदर था, वो पानी में नहाए ये बच्चे लोग सब लोग, तो उसको बहुत जल्दी ये सब चीजें लगती है बचपन से ही, ज्यादा अगर ठंड में ले जाओ तो उसकी नाक बहने लगती है। तो उसका था, तो रात भर उसने हमें नहीं सोने दिया, उसकी नाक बार बार बंद हो रही थी, तो वो बार बार रो रहा था। तो उठ उठ कर नाक में स्प्रे डाला उसके, मैंने जो उसके नाक वाला स्प्रे डाला, एंड देन उसको दवाई दी, खांसी भी नहीं रुक रही थी उसकी। अभी वो फाइन है, ही इज फाइन, जब अगर वो लेटता है ना तभी उसकी नाक में प्रॉब्लम, नाक उसकी बंद होने लगती है। और वो बच्चे तो बाम विक्स मतलब कुछ लगवाते ही नहीं कि लगा दो तो थोड़ा उनको रिलैक्स मिले। देखो स्प्रे लेकर आ रहा है, बता रहा है उसकी नोजी में डाला था, अभी यही वाला स्प्रे था ना कल आपकी नोजी में मम्मा ने डाला था रात में, है ना। अरे व्हाट हैपेंड टू अवर टीवी, कॉस्को से लेकर आ रहे पापा, टीवी इज ब्रोकन, टीवी इज ब्रोकन, पापा इज गोइंग टू बाय न्यू टीवी, यस। तो बस मैं और आयु अकेले हैं, आप बोर हो रहे हैं, टीवी एक्चुअली मैं हमारे आज के टाइम में अगर देखा जाए ना तो टीवी नेसेसिटी हो गई है, और टीवी ना हो तो फिर ऐसा लगता है चाहे चलती रहे, सुनाई देता रहे कानों में, चाहे म्यूजिक चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, न्यूज़ वगैरह जो भी चल रही, सुनाई देता रहे ना कानों में तो वो अच्छा लगता है। तो चलिए मेरी बातें 8 मिनट की हो गई हैं, तो मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको वीडियो क्लिपिंग शेयर करती हूँ। एनर्जी रही मेरे में तो मुझे बहुत सारे काम है, नहाना है, इसको नहलाना है, एंड खाना बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ अभी इसको तो हॉट वाटर बाथ दूँ टब में, थोड़ी देर गर्म पानी में थोड़ा सॉल्ट वाटर डाल के उसको बैठा दूँ ताकि उसको थोड़ा रिलैक्सिंग लगे, कफ वगैरह उसका निकले। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज, यहाँ पर टीवी आ गई है मगर नीचे रखी है, मेरा गला ख़राब है क्योंकि ये एनिवर्सरी के बाद हम लोग, मैं बीमार पड़ गई थी, आयु को सर्दी हो रही थी, मुझे तो फीवर भी आ रहा था। तो वो सारी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर सुनाऊंगी, क्या हुआ था, कैसे हुआ। एंड अभी भी मेरा गला ख़राब है, खांसी कंटिन्यूसली, कफ हो रहा है, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। तो अभी नीचे रखी है, बाद में लेफ्ट में रख दी थी, देन हम लोग ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। खाओगे? नहीं खाओगे?
ट्राई तो कर ले। ओके हैप्पी एनिवर्सरी। वीडियो कंटिन्यू करूं मैं? नहीं वीडियो बंद कर। सो यहाँ पर मेरे हस्बैंड असेंबल कर रहे हैं, ऊपर से भैया भी आ गए थे, वो क्लिपिंग नहीं ले पाई क्योंकि टीवी उठा कर रखनी थी पूरे इस पे शेल्फ पे, तो उस चक्कर में नहीं कर पाई मैं कुछ भी। तो यहाँ पर असेंबली वगैरह चल रही है इनकी, और टीवी के साथ, टीवी थोड़े बड़े साइज़ की थी तो बिना स्टैंड के तो नहीं रख पाते, इसलिए लेकर आना पड़ा सब चीज़। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। ऊपर हमारे भैया भाभी आए हैं, वो लोग इंडिया से आए हैं, न्यू फैमिली, और हम लोग इतनी दिन इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्लोज हो गए एक दूसरे से कि वो आज आ गए और उन्होंने हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, और हम लोगों का सच कोई भी प्लान नहीं था, वो केक लेकर आ गए। और हम लोगों का प्लान इसलिए नहीं था क्योंकि हम सुबह से इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे, इतना ओवरवेलमिंग हो गया था आज का दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने इतना अच्छे से हम लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और बस जो भैया है और रोहित है, वो लोग अब असेंबली करेंगे उसकी, तो वो जो असेंबली वाला वीडियो है वो मैं इसके पहले डालूंगी और ये वाला एंड में डालूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।